नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक राठौर आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम हर एक सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आपके जो भी कोई क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, कन्फ्यूज़न हैं, डाउट्स हैं, उनको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हमारा टॉपिक है नाइटफॉल, मतलब स्वप्न दोष, मतलब वेट ड्रीम्स, मतलब इन्वोलेंट्री इजैकुलेशन। इन सब का मतलब एक ही होता है, रात में सोते समय जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं, कोई सपना देख रहे होते हैं, तो ऐसी अवस्था में पेनिस में इरेक्शन हो जाता है और इरेक्शन होने के बाद पेनिस से वीर्य मतलब सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। और जब आप सुबह सोकर उठते हैं तब आपके अंडर पैंट्स पर, अंडर गारमेंट्स पर एक निशान होता है जो सूखा या गीला होता है, उसी अवस्था को नाइटफॉल कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाइटफॉल क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या नाइटफॉल एक नॉर्मल कंडीशन है, अगर नाइटफॉल ज़्यादा होता है तो उस पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, नाइटफॉल से हम कैसे बच सकते हैं। अगर नाइटफॉल से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का जवाब दूँ। अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब दूँ। तो आज हम बात करते हैं नाइटफॉल की, मतलब वेट ड्रीम्स। नाइटफॉल का मतलब होता है सोते समय वीर्य का निकल जाना। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, इससे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। नाइटफॉल की समस्या 14 साल से लेके 19 साल के लड़कों में ज़्यादा होती है। उसका कारण ये है कि इस समय में लड़के और लड़कियों में सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। यंगस्टर को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, पोवर्टी के समय में हार्मोन्स का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। लड़कों में सेक्स हार्मोन, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं, उसका सिक्रीशन ज़्यादा होता है। वैसे ही लड़कियों में ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। जब लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है तब स्पर्म प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है और स्पर्म्स ग्रंथियों में स्टोर होने लगता है, और जब स्पर्म्स का प्रोडक्शन स्टोर होने के बावजूद भी और ज़्यादा बनने लगता है तो वो नाइट में निकल जाता है, उसी को ही स्वप्न दोष कहते हैं। स्वप्न दोष अगर हफ्ते में एक बार या दो बार हो रहा है या महीने में 8-10 बार हो रहा है तो एक नॉर्मल कंडीशन है। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अल्टरनेट डेज पे हो रहा है, हफ्ते में 3-4 बार हो रहा है, महीने में 10-12 बार से ज़्यादा हो रहा है, तो ये एक समस्या है, तब आपको ज़रूरत है किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप सलाह लें, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ने लगता है। शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर का सेहत नहीं बन पाती है, बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, काम करने वाले बच्चों का काम में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है, और धीरे धीरे अगर ज़्यादा समय तक नाइटफॉल होने लगता है तो एक मानसिक तनाव बन जाता है जो कि आगे चल के अवसाद मतलब डिप्रेशन की कंडीशन बन जाती है। लगातार नाइटफॉल अगर कई महीनों और सालों तक रहती है तो सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है जो आगे चलकर यौन समस्या का रूप ले सकती है। अब मैं आपको बताऊँगा किन किन कारणों से नाइटफॉल हो सकता है या बढ़ सकता है। आजकल के बच्चे सेक्सुअल कंटेंट ज़्यादा देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी एज ऐसी है कि वो मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, पॉर्न मूवीज़ पॉर्न वीडियोस ज़्यादा देखते हैं, जिसके कारण उनको नाइटफॉल की समस्या बढ़ जाती है। आजकल का खाना बहुत डिस्टर्ब है, बच्चे ज़्यादातर बाहर के फास्ट फूड, जंक फूड, स्पाइसी ऑयली फूड खाते हैं, जिससे उनका डाइजेशन ख़राब हो जाता है, और जब डाइजेशन ख़राब होता है तो नाइटफॉल की समस्या बढ़ जाती है। अत्यधिक मास्टरबेशन करने से मतलब हस्तमैथुन अधिक करने से या मास्टरबेशन नहीं करने से भी ये समस्या बढ़ जाती है। जो बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, या जिनको डर रहता है, उनको ये समस्या बढ़ जाती है। बहुत सारे बच्चे रात को सोने से पहले भरपेट खाना खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं, उनको भी इस तरीके की समस्या बढ़ जाती है। कब्ज़, जब पेट सही से साफ नहीं होता है तभी नाइटफॉल की समस्या हो जाती है। ज़्यादा नॉनवेज खाने से, ज़्यादा गर्म मसालेदार सब्जियां खाने से या ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने से पेट में गर्मी हो जाती है, जिसके कारण ही नाइटफॉल की समस्या बढ़ जाती है। अत्यधिक नशा करना, जैसे स्मोकिंग है, या आपका अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा लेने से भी नाइटफॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या जो लोग शादीशुदा होते हैं और शादी होने के बावजूद भी वो अपने पार्टनर से दूर रहते हैं, तो ऐसे समय में भी उनके साथ नाइटफॉल की समस्या बढ़ जाती है। आजकल लोग जिम में मसल्स को डेवलप करने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शंस लेते हैं,
टैबलेट्स लेते हैं जिसके कारण ये समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण आजकल के बच्चों में नाइटफॉल की समस्या बढ़ती जा रही है। अगर आप नाइटफॉल की परेशानी से बचना चाहते हैं तो अपने जीवनचर्या में और दिनचर्या में सुधार करने की आवश्यकता है। रात में जो आप सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कम से कम सोने से 2-3 घंटे पहले मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। सोने से पहले मुंह, हाथ और पैर धो के सोएं और खाना खाने के कम से कम 2-3 घंटे के बाद ही सोएं। ज़्यादा मसालेदार सब्जियों को नहीं खाएं, ड्राई फ्रूट्स कम से कम खाएं, नॉनवेज का इस्तेमाल कम से कम करें जिससे आपका पेट का डाइजेशन ठीक रहे। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से हमेशा आप बचे रहिए। साथ में किसी भी प्रकार का आप नशा करते हैं, जैसे स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं या कोई और तरीके का नशा करते हैं, उसको बंद कीजिए। स्ट्रेस फ्री लाइफ को जीना सीखिए, तनाव से मुक्ति पाइए, किसी भी तरीके के डर को आप निकालिए। अपनी जीवनचर्या में कुछ अच्छी चीज़ें ऐड कीजिए, जैसे सुबह उठकर टहलने जाइए, आप सैर कीजिए, आप योगा कीजिए, जिम कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए जो इससे आपका शरीर तंदुरुस्त रहे। स्ट्रेस और एंजाइटी से हमेशा बच के रहिए। जितना आप खुश रह सकते हैं उतना खुश रहिए और कोशिश कीजिए किसी भी तरीके का नशा ना करें और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, सेल्फ मोटिवेशन कीजिए। यही एक रास्ता है जिससे आप नाइटफॉल से बच सकते हैं। अगर ये सारे उपाय करने के बाद भी आपकी नाइटफॉल की समस्या दूर नहीं हो रही है तो आपके आसपास कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक है उनसे सलाह लीजिए। और आपको अगर मेरी भी सलाह की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपकी जो समस्या उसको आप लिख दीजिएगा, अपना फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर समस्या का समाधान कर सकूँ। अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे से परामर्श कर सकते हैं, मेरे क्लिनिक पर आकर ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। मैं आपको वो सारी जानकारी दूंगा जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आने वाले वीडियो में मैं आपको हर तरीके की समस्याओं का समाधान बताऊँगा। और आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।